म्यूजिक दोस्तों, ये वीडियो एडिट करना एकदम आसान है। आप भी अगर अपना फोटो लगाकर इसी तरह के वीडियो एडिट करना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको। ये वीडियो एडिट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का नाम है एलाइट मोशन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और अगर इसका प्रो वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में बिटमार्क और सैनिक इफेक्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके एलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना, और दो वीडियो क्लिप है उसे भी डाउनलोड कर लेना। अगर बिटमार्क डाउनलोड करने में या इंपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे पहले देख लेना, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। सो दोस्तों, चलते हैं लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों, आ गया हूँ एप्लीकेशन के अंदर। अब प्रोजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसी तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो क्लिप को ऐड करना है। ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, उसके बाद ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जिस भी फोल्डर में आपका डाउनलोड हुआ है वहाँ से वीडियो को ऐड कर लेना है, फर्स्ट वीडियो क्लिप को। तो आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट वीडियो क्लिप को ऐड कर लिया है। उसके बाद इसे फुल स्क्रीन करना होगा। फुल स्क्रीन करने के लिए वीडियो पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद फाइव नंबर ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, और ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको चले जाना है नेक्स्ट बिट पर। नेक्स्ट बिट पर जाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आप नेक्स्ट बिट मार्क पर आ जाओगी। बाकी के पार्ट को काट करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको फ़ोटो ऐड करना है। फोटो ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया में जाना है, और यहाँ से आप अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हो। तो मैंने एक फ़ोटो ऐड कर लिया। इसके बाद इसे फुल स्क्रीन करना होगा, तो थ्री डॉट में जाकर फाइव नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बिट पर जाता हूँ इसे क्लिक करके, और बाकी के पार्ट को काट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से एक फ़ोटो को ऐड करना है। प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ, मीडिया पर जाता हूँ। ये देखो, फिर से एक फ़ोटो को ऐड कर लिया, इसे भी फुल स्क्रीन करना है। थ्री डॉट पे गया, फाइव नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो फुल स्क्रीन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बिट पर जाती हूँ और कट कर दिया। ऐसे ऐसे करके आपको जितना भी छोटा छोटा बिट देखने को मिलेगा सब में अपना फ़ोटो ऐड कर देना। सो दोस्तों, सभी बिटमार्क के हिसाब से मैंने अपनी फ़ोटो को ऐड कर दिया है, और मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि एक बात आपको पहले बताना भूल गए, तो कोई बात नहीं, इसीलिए सॉरी कह देता हूँ। सेकंड वीडियो क्लिप ऐड करना आपको बताया नहीं, तो सेकंड वीडियो को ऐड करने के लिए आपको चले जाना है 18.29 सेकंड में, वहाँ पे जाके दूसरा वीडियो क्लिप को ऐड कर देना। तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने दो नंबर वीडियो क्लिप का भी ऐड कर दिया। इसके बाद आपको इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से आपको बैक चले जाना है, सेक इफेक्ट पर। सेक इफेक्ट पर आकर फर्स्ट वाला इफेक्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाके कॉपी कर लेना है। उसके बाद बिटमार्क पर जाना है। बिटमार्क पर आकर ये जो छोटा छोटा बिटमार्क दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ये बड़ा वाला जो इफेक्ट है इस पर नहीं, बड़ा वाला इफेक्ट पर पेस्ट नहीं करना है, ये सिर्फ छोटा छोटा इफेक्ट पर ही पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए इमेज पर क्लिक किया, इफेक्ट पर गया, और थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट कर दिया। ऐसे ऐसे करके आपको छोटा छोटा जितना भी बिटमार्क मिलेगा सब में पेस्ट कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सो दोस्तों, छोटा छोटा जितना भी बिटमार्क था मैंने सभी पर एक नंबर इफेक्ट पेस्ट कर दिया। उसके बाद दो नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना है इस बड़ा वाला बिटमार्क पर। तो पहले कॉपी कर लेना। कॉपी करने के लिए सेक इफेक्ट पर जाना होगा। सेक इफेक्ट पर आकर दो नंबर को कॉपी कर लेना। तो मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद फिर से चले जाना है बिटमार्क पर। यहाँ पर आकर जितना भी बड़ा बड़ा बिटमार्क है वहाँ पर आपको दो नंबर इफेक्ट पेस्ट कर देना है। जैसे ये एक है तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये एक है, इसे भी पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये एक है, इसे भी पेस्ट कर दिया। सो दोस्तों, वीडियो क्लिप को छोड़ के जितना भी बड़ा बड़ा बिट था वहाँ पर दो नंबर इफेक्ट को पेस्ट कर दिया। अब आपका स्टेटस बन के तैयार हो गया। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर की तरफ बॉक्स में क्लिक करना है और एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाना चालू हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर इसको ऑल कर देना।